हाय फ्रेंड्स, सिकुस गौरतल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एलोट्रोप होता क्या है, व्हाट आर एलोट्रोप्स। आपने एलोट्रोप का नाम जरूर सुना होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पक्का आता है, वो वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रोप के बारे में समझते हैं, एलोट्रोप होता क्या है। तो देखिए, द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी एलिमेंट किन किन अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे बोला जाता है एलोट्रोप। ठीक है, वो अलग अलग जो फिजिकल फॉर्म होगी वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एलोट्रोप्स बोले जाएंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग फिजिकल फॉर्म एलिमेंट्स की होती है, उन चीज़ों को बोला जाता है एलोट्रोप्स। ठीक है, एलोट्रोप्स आर द मैटर डेट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि जो एलोट्रोप्स होते हैं वो केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ये एटम क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, कोई भी छोटे से छोटी इकाई जिसको हम डिवाइड ना कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे बोला जाता है एटम। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, देखिए एलोट्रोप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एलोट्रोप में क्या है, केवल एक ही प्रकार के जो एटम्स होंगे उनसे मिलके एक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस था। ठीक है, अब अगर कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करी जाए तो कार्बन के मेनली दो एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, जो आपने सुने होंगे वो एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों की क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए ये दो एलोट्रोप्स मेन एलोट्रोप्स है। कार्बन के एलोट्रोप्स आपसे कभी भी पूछे जा रहे हैं तो आप पक्का इसका जवाब दीजिएगा, एक तो डायमंड एक ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होता है वो चार कार्बन एटम्स का होता है, और चार कार्बन एटम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ये जो है सेम स्ट्रक्चर आपको अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलता है। ज़्यादा इसको डीप में समझना नहीं, आपको मेन एलोट्रोप को समझना था कि एलोट्रोप में होता क्या है। एलोट्रोप जब कोई एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में मिले, ठीक है, तो उस चीज़ को बोला जाता है कि वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या है, एलोट्रोप है। ठीक है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता, चेंज होता है, इसी वजह से वो अलग एक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे बोलते हैं एलोट्रोप। ठीक है, अगर बात करते हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की, कार्बन के एलोट्रोप है। तो ये बेसिक आइडिया मेरे को देना था इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।